सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हुए स्थानीय सूरजमल स्टेडियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्यार्थियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई। इसके बाद विद्यार्थी और अधिकारी रन फॉर यूनिटी के लिए दौड़े, जो सूरजमल स्टेडियम से पिहोवा चौक होते हुए कमेटी चौक पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पर संपन्न हुई, जिसमें कैथल के उपायुक्त सुनीता वर्मा और पुलिस अधीक्षक सुमेर प्रताप सिंह समेत जिले के अधिकारियों और विद्यार्थियों ने शिरकत की। आजादी के बाद देश को एक करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल आजादी के बाद देश के पहले गृह मंत्री बने और उन्हीं के प्रयासों से आज हम संयुक्त देश में रह रहे हैं। मैम, सरदार पटेल जी के जीवन में थोड़ा प्रकाश डालते हुए आज की दौड़ के बारे में बताइए। आज हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है, जिसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि देश की आज़ादी के बाद 500 से अधिक प्रिंसली स्टेट्स थी, जिनका उन्होंने अपने प्रयासों से भारत गणराज्य में विलय करवाया। इसीलिए उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज का कार्यक्रम क्या रहा है? आज की जो दौड़ है, जिसका नाम रन फॉर यूनिटी था, एकता का संदेश देने के लिए जो है ये इसका आयोजन किया गया था। तो इस तरह की दौड़ के मैम किस तरह के फायदे रहते हैं? इस तरह की दौड़ हमने राष्ट्रीय एकता का जो संकल्प है वो दोहराने के लिए इसका आयोजन किया था। हमारा देश जो अनेकताओं में एकता के लिए प्रसिद्ध है, आप देखेंगे कि अगर जिस घर में भी एकता होती है वो घर बड़ी से बड़ी समस्या से भी निजात पा लेता है। ये संदेश देने के लिए जो है इस दौड़ का आयोजन किया गया था। हाँ, आज की दौड़ का यही मैसेज है, राष्ट्रीय एकता के प्रति जागरूकता, और सारे बच्चों में ये फीलिंग जगाई गई है और हम सब ने शपथ ली है कि नेशनल यूनिटी को बनाए रखने के लिए हम हर प्रयत्न करेंगे। For good health, please subscribe A1 Healthcare. For better music, subscribe A1 Music. For best informational programs, please subscribe A1 Punjabi TV. And for all updated news, please subscribe A1 News.